Assalamualaikum जी, आज का हमारा टॉपिक है कमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। इसमें हम देखेंगे perplexing, inconsistency, where the energy stored, superposition principle, electrodynamics, Griffith का फोर्थ एडिशन चैप्टर टू चल रहा है हमारे पास, उसका ये टॉपिक है। तो हम बारी बारी करके देखते हैं perplexing inconsistency में क्या है। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालने के लिए दो फार्मूले बनाए थे, एक था डब्ल्यू एप्सिलॉन नॉट बाई टू आल स्पेस सी स्क्वायर इनटू डीवी, और एक था स्टेशनरी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये एनर्जी हमेशा पॉजिटिव रहती है, 1/2 समेशन आई वन टू एन क्यू आई वी आर आई। अब इस फार्मूले से एनर्जी जो स्टेशनरी चार्ज की हम कहेंगे पॉजिटिव भी हो सकती है या नेगेटिव भी हो सकती है। तो इसका मतलब इस फार्मूले से तो हमेशा पॉजिटिव जवाब आने वाला है। इस फार्मूले से आपका जवाब पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, मगर ये दोनों इक्वेशनें क्या है, करेक्ट है। क्यों? क्योंकि इक्वेशन वन इंडिकेट करती है एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज, जो कि हकीकत में हम मानते हैं कि वो एनर्जी कितनी है, इनफाइनाइट है। अब इसमें अगर आप E की वैल्यू को स्क्वायर करके डाल लो, वॉल्यूम एलिमेंट को डाल लो, तो आप इस सारे को लेके सॉल्व करो। अब इसमें से आप जानते हैं आउटसाइड है स्पेस में, तो जीरो से टू पाई तक फाई की चेंज आएगी, जीरो से पाई तक थीटा की चेंज आएगी, और आर जीरो से इनफाइनाइट तक होगा। इस सारे को लेके सॉल्व करो तो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो यही मैंने कहा था कि पॉइंट चार्ज की एनर्जी या वर्क कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, वो हमने यहाँ पे प्रूफ भी कर दिया। तो इक्वेशन वन हम कहेंगे ज्यादा कंप्लीट है, इन द सेंस कि आपको ये टोटल एनर्जी बताती है किसी चार्ज कन्फिग्रेशन की। अब इक्वेशन टू है वो उस वर्क को नहीं देखती जो कि पॉइंट चार्ज को फर्स्ट प्लेस पे लाने के लिए हुआ है। तो हम कहते हैं कि हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट चार्जेस, सिंपली वर्क करते हैं उन सबको इकट्ठा करने का। तो इक्वेशन टू हम कहते हैं ज्यादा अप्रोप्रिएट है, जबकि इक्वेशन वन ज्यादा कंप्लीट है कि जब हम पॉइंट चार्जेस को डील कर रहे हैं, हम प्रेफर करेंगे कि पोर्शन ऑफ टोटल एनर्जी जो एट्रीब्यूट करता है फैब्रिकेशन ऑफ पॉइंट चार्जेस देमसेल्फ, उससे निकाल लिया जाए। तो अपने जरूरत के लिहाज से फार्मूला इस्तेमाल किया जा सकता है। अब मुद्दा यह है कि एनर्जी स्टोर कहाँ होती है, तो दोनों फार्मूले मैंने दोबारा लिख दिए। अब ये दोनों फार्मूले मुख्तलिफ तरीकों से एनर्जी निकालने का तरीका है। फर्स्ट इंटीग्रल करता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को और सेकेंड इंटीग्रल करता है फील्ड को। तो हम कहेंगे ये तो दोनों कम्प्लीटली डिफरेंट चीजें हैं। तो आपके पास एग्जाम्पल है एक स्फेरिकल शेल है चार्ज का, जिस कन्फाइंड सरफेस की हुई, और हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ है आउटसाइड द सरफेस। तो क्या एनर्जी चार्ज के पास स्टोर हुई, क्या एनर्जी फील्ड के पास स्टोर हुई? तो हम कहेंगे मुख्तलिफ तरीकों से हम टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ये एक इररेलीवेंट है कि एनर्जी कहाँ स्टोर हो रही है, बस हमें तो जवाब एनर्जी से चाहिए कि कितनी स्टोर हुई। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात करें तो हम कहते हैं डजंट होल्ड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। क्या मतलब कि एनर्जी क्वाड्रेटिक फंक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो हम कहेंगे ये फॉलो नहीं करता लीनियर सुपरपोजिशन। तो क्वाड्रेटिक डिपेंडेंसी का मतलब क्या है कि जब बहुत सारे चार्जेस प्रेजेंट होते हैं तो टोटल एनर्जी जो इन्वॉल्व होती है वो क्रॉस टर्म्स में यानी प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट पेयर चार्जेस की होती है, तो सिंपली एड नहीं हो जाता। तो आपके पास इसका मतलब जब एक नया चार्ज ऐड करोगे किसी सिस्टम के अंदर तो वो तमाम पेयर्स के साथ इंटरेक्शन करेगा नया चार्ज, और इसलिए टोटल एनर्जी जो होगी मल्टीपल चार्ज सिस्टम की वो सिंपली सम करके हर चार्ज की एनर्जी को सम करके हासिल नहीं की जा सकती। तो डबलिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि फोर फोल्ड इंक्रीज आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी डेंसिटी में, जबकि लीनियर डबल होने की बजाय। तो ये हमारे पास इसका सलूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।